नमस्कार, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये जीपीओ गोलंबर से स्टेशन रोड जाने की ओर सड़क ये है, उसके नीचे हम खड़े हैं। पटना जंक्शन का जो नया फ्लाईओवर है बना हुआ उसके नीचे है। देखिए, कल पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस एपी शाही ने एक कमेंट किया था ट्रैफिक के मामलों को लेकर के कि संडे को जिस तरीके से कार बाज़ार लगता है और उसके अलावा कई सारे वकीलों ने वहाँ पर चीफ जस्टिस के सामने इस बात की वो जानकारी दी थी कि न्यू मार्केट का जो पुल है उसके पीछे थोक फल मंडी यहाँ पे लगती है सुबह से लेकर के पूरे दिन रात। ये देखिए, जो आप ये नज़ारे देख रहे हैं ये न्यू मार्केट का है, ये हम दिखा रहे हैं आपको। ये पुल के नीचे का इलाका है फ्लाईओवर का। अब पैदल लोग कैसे चलते हैं देखिए, लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है। पुल के नीचे दुकानें, जो सड़क है, सड़क का आधा से अधिक हिस्सा जो है वो फुटपाथियों के कब्जे में है। ये कंवरिया आ रहे हैं वो भी जैसे तैसे आने को मजबूर हैं। देखिए, तीन तीन चार चार लेयर में ये दुकानें लगी हुई हैं। ये फल मंडी है न्यू मार्केट का, थोक फल मंडी, ये नया लग रहा है यहाँ पे अभी। ये देखिए, पुल के नीचे बिल्कुल मनमाने ढंग से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और कोतवाली थाना का ये क्षेत्र आता है। अपने पूर्व के फैसले में हाईकोर्ट पहले भी कह चुका था कि जिस भी थाना क्षेत्र में अतिक्रमण होगा, किसी भी तरीके का अतिक्रमण, उसके लिए संबंधित थाना प्रभारी जिम्मेवार होंगे। लेकिन पटना में ऐसी कोई व्यवस्था यहां पर नज़र नहीं आ रही है। कोतवाली थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। शहर के लाखों लोग रोज़ाना यहाँ पर वो परेशान होते हैं आने जाने में। ये फल मंडी वाले देखिए, अपनी ये दुकानें सुबह में खोलते हैं, अभी शाम के 5 बज रहे हैं। हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जीपीओ गोलंबर पर, बिल्कुल ही अस्त व्यस्त ट्रैफिक है। ये देखिए, जो जीपीओ का वो दूसरा वो ये छोर दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर जो फुटपाथी हैं वो किनारे में इन्होंने दुकान लगा दी जब दुकान तोड़ी गई थी। ये नज़ारा है कंकड़बाग जाने के लिए लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, स्टेशन पहुँचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जीपीओ गोलंबर से स्टेशन रोड की सड़क का आप ये नज़ारा देख रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी, हाई कोर्ट में फैसले के सुनवाई के बाद भी कोतवाली थाना और ट्रैफिक विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये आप तस्वीरों में ये देख रहे हैं सीधे सीधे, ये पुल के नीचे की ये जो दुकानें हैं ये फल मंडी लगती है, होलसेल मंडी। ये देखिए किस तरीके से अतिक्रमण है। ये पटना शहर का कल ऐतिहासिक सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में गुड्डू बाबा के PIL पर, 10:39 से लेकर दोपहर 2:04 तक कार्रवाई चली थी, जिसमें ट्रैफिक SP ने भी स्वीकार किया था कि वो सुधार करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई के अगले दिन पूरे शहर की स्थिति जस की तस बनी रही। GPO गोलंबर के पास से हिंदुस्तान लाइव.com के लिए रविशंकर सिंह की रिपोर्ट।